बच्चों वेलकम टू वीडियो लेक्चर नंबर फोर इसमें क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या है इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द एंगल एट विच द नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन इस वेक्टर का जो सॉरी इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है इज इंक्लाइन टू द कॉर्डिनेट एक्सिस हमें यह फाइंड आउट करना है कि इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ किस एंगल पे इंक्लाइंड है मतलब क्या हमें मतलब कि नॉर्मल वेक्टर का हमें क्या चाहिए डायरेक्शन को साइन चाहिए ठीक है तो सबसे पहली बात क्या है कि नॉर्मल वेक्टर क्या होगा प्लेन क्या है हमारे पास फोर एक्स प्लस एट वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ये तो हमारा प्लेन है अब इस प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होता है ये ऑलरेडी बताया जा चुका है कि एक्स वाई जेड का जो कॉफिशेंट होता है ना वो नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो होता है तो नॉर्मल एक्स को 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 तो का कॉफिसेंट क्या है फोर वाई का कॉफिसेंट क्या है एट और जेड का कॉफिसेंट है वन तो नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा फोर एट एंड वन तो नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा फोर आई कैप प्लस एट जे कैप प्लस के कैप बच्चे ये तो हो गया नॉर्मल वेक्टर ठीक है अब अगर हमें इस नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन को साइन चाहिए तो कैसे निकालेंगे इस नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिख लेंगे यूनिट वेक्टर में जो आई कैप जे कैप और के कैप का जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा डायरेक्शन को साइन हो जाएगा सिंपल सी बात है ठीक है तो एन कैप क्या हो जाएगा फोर आई कैप प्लस एट जे कैप प्लस के कैप इसको हम लोग क्या करेंगे मतलब कि ये एन कैप को कैसे लिख सकते हो एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा फोर स्क्वायर प्लस एट स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर क्या हो जाएगा ये सिक्सटी फोर प्लस सिक्स सेवनटीन सिक्सटीन प्लस वन ये हो जाएगा फोर आई कैप प्लस एट जे कैप प्लस के कैप सिक्सटीन प्लस सिक्सटी फोर प्लस वन फोर आई कैप प्लस एट जे कैप प्लस के कैप अपॉन ये क्या हो जाएगा वन रूट अंडर एटी वन तो रूट अंडर एटी वन क्या होगा नाइन तो so हमारे पास जो एन कैप वेक्टर मिला वो क्या मिला फोर अपॉन नाइन आई कैप प्लस एट अपॉन नाइन जे कैप प्लस वन अपॉन नाइन के कैप अब मैं बोल रहा हूँ कि ये फोर बाई वन फोर बाई नाइन क्या है ये तो नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है तो ये फोर बाई नाइन क्या है फोर बाई नाइन कॉस एल्फा है यही तो एल है एल का वैल्यू क्या होता है कॉस एल्फा ये हो गया फोर बाई नाइन फिर एम क्या होगा कॉस बीटा यह क्या होगा एट बाई नाइन एंड एन क्या हो जाएगा कॉस गामा ये किसके इक्वल होगा वन बाई नाइन तो हमें एंगल चाहिए ना तो एल्फा क्या होगा कॉस इनवर्स फोर बाई नाइन बीटा क्या होगा कॉस इनवर्स एट बाई नाइन एंड गामा क्या होगा कॉस इनवर्स वन बाई नाइन समझ में आ रही है बात कहने का मतलब है कि जो नॉर्मल वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ किस एंगल से इनक्लाइंड है वो इस एंगल से इनक्लाइंट है कॉस इन वर्स फोर बाई नाइन से जो नॉर्मल वेक्टर है वाई एक्सिस के साथ किस एंगल से इनक्लाइंड है कॉस इन वर्स एट बाई नाइन और नॉर्मल वेक्टर जेड एक्सिस के साथ किस एंगल से इनक्लाइंड है कॉस इन वर्स वन अपॉइन्ट नाइन ठीक है बच्चों क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या है ये देखो एक वेक्टर एन ऑफ मैग्नीट्यूड एट यूनिट्स एक वेक्टर एन है जिसका मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है एट यूनिट्स इज इंक्लाइं टू एक्स एक्सिस एट फोर्टी फाइव डिग्री एक्स एक्सिस के साथ किस एंगल से इनक्लाइंड है एन वेक्टर फोर्टी फाइव डिग्री के साथ वाई एक्सिस से किस एंगल पे इंक्लाइंड है सिक्सटी डिग्री के साथ और एंड एन एक्यूट एंगल विद जेड एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ क्या बना रहा है एक्यूट एंगल बना रहा है ठीक है इफ़ अ प्लेन पासिस थ्रू अ पॉइंट अगर कोई प्लेन है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है एंड इज नॉर्मल टू एन वेक्टर और एन वेक्टर पे नॉर्मल है फाइंड इट्स इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म तो प्लेन का इक्वेशन निकालो वेक्टर फॉर्म में एक बार फिर से क्वेश्चन रीड करते एक हमारे पास एन वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के साथ जिसका मैग्नीट्यूड क्या है एट यूनिट्स है और एक्स एक्सिस के साथ ही एन वेक्टर किस एंगल पे इंक्लाइंड है फोर्टी फाइव डिग्री पे वाई एक्सिस के साथ सिक्सटी डिग्री पे इंक्लाइंट है और जेड एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है ठीक है और क्या बोल रहा है इफ ए प्लेन पासिस थ्रू द पॉइंट अगर कोई प्लेन क्या है इस पॉइंट से पास कर रहा है और ये जो एन वेक्टर है ना इस परपेंडिकुलर है तो बोल रहा है कि प्लेन का वेक्टर इक्वेजन लिखो वेक्टर फॉर्म में तो सबसे पहला काम क्या करेंगे सबसे पहला काम हमें प्लेन पे जो एन वेक्टर है जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसका हमें परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड आउट करना होगा तो परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे मान लेते हैं हम लोग मान लेते हैं कि लेट गामा बी एंगल मेड बाय एन एन वेक्टर विद जेड एक्सिस हमने मान लिया कि जो गामा है एन वेक्टर है वो जेड एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रहा है गामा तो एल क्या हो जाएगा हमारा कॉस फोर्टी फाइव डिग्री एल क्या होता है कॉस अल्फा होता है और यहां पे अल्फा क्या दे रखा है फोर्टी फाइव डिग्री मतलब एल क्या होता है जो हमारा वेक्टर जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसके कोसाइन वैल्यू को हम एल बोलते हैं तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रहा है फोर्टी फाइव डिग्री तो कॉस फोर्टी फाइव डिग्री क्या हो जाएगा एल मतलब कॉस फोर्टी फाइव डिग्री वन बाई रूट टू ये तो एल हो गया एम क्या हो जाएगा कॉस ऑफ सिक्सटी डिग्री कॉस सिक्सटी डिग्री क्या होता है वन बाई टू और हमने क्या मान लिया कि जो वेक्टर हमारा जेड एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रहा है गामा तो एन क्या हो जाएगा गामा फिर हमने पढ़ रखा है ना क्या पढ़ रखा है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है वन होता है मतलब एल का वैल्यू क्या है वन बाई रूट टू का होल स्क्वायर एम क्या है वन बाई टू का स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन तो यहां से एन स्क्वायर क्या मिलेगा हमें वन माइनस वन बाई टू का वन बाई रूट टू का होल स्क्वायर वन बाई टू प्लस वन बाई फोर तो क्या हो जाएगा वन माइनस एलसी क्या होगा फोर टू प्लस वन तो एन स्क्वायर क्या मिलेगा वन माइनस थ्री बाई फोर तो वन बाई फोर तो यहाँ से हमें एन स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई वन बाई फोर तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या मिलेगी प्लस माइनस वन बाई टू और एन किसे हम बोलते हैं गामा को ये क्या हमारा प्लस माइनस वन बाई टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो हमारा एन वेक्टर है वो जेड एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है तो अगर एक्यूट एंगल बना रहा है तो इसका क्या मतलब है इसका ये मतलब है कि हमारा हम लोग क्या करेंगे निगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे कॉस गामा क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे तो ये हो गया वन बाई टू ठीक है अब हमें कॉस गामा मिल गया कॉस एल्फा हमें मिल गया कॉस एल्फा का मतलब ये क्या मिल गया वन बाई रूट टू मिल गया कॉस बीटा मिल गया क्या मिल गया हमें वन बाई टू तो एन कैप वेक्टर क्या होगा एन वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा यही होगा ना ऐसे ही लिखते हैं ना कॉस एल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप ऐसे लिखते हैं ना ठीक है ना कॉस एल्फा क्या हमारा वन बाई रूट टू आई कैप कॉस बीटा क्या हमारा वन बाई टू जे कैप कॉस गामा क्या है वन बाई टू के कैप ये तो एन वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल गया बट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है वेक्टर का मैग्नीट्यूड एट यूनिट दे रखा है तो एन वेक्टर क्या होगा एट इन टू एन कैप तो इसको हम लोग इस पूरे को एट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा एट बाई रूट टू आई कैप प्लस एट बाई टू जे कैप प्लस एट बाई टू के कैप ऐसे एक बात है जो यहाँ ऑब्वियस ही बात क्या है कि ये अगर हमें एन वेक्टर प्लेन पे ना नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल जाए तो इससे भी इक्वेजन आ जाएगा ये करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है इक्वेजन सेम ही आएगा अगर तुम एन कैप को यूज करके ना इस एन कैप को नॉर्मल यूज करके अगर प्लेन का इक्वेशन लिखोगे तो भी प्लेन का इक्वेशन बिल्कुल एग्जैक्टली exactly सेम आएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है ना करके देख लेना इसको भी अगर तुम एन कैप वेक्टर को भी प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर मान के सॉल्व करोगे तो एग्जैक्टली इक्वेशन सेम ही आएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें तो प्लेन पर एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए और वो नॉर्मल वेक्टर यूनिट वेक्टर हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा नॉर्मल वेक्टर चाहिए किसी भी डायरेक्शन में एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए तो एन कैप को भी यूज करके तुम क्या कर सकते हो प्लेन का इक्वेशन लिख सकते हो तो हमें हमारे पास प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर है वो क्या मिल गया एट बाई रूट टू आई कैप एट बाई रूट टू को क्या लिखेंगे ऐसे लिखेंगे ना अपॉन रूट टू अपॉन रूट टू आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस फोर के कैप तो ये क्या हमारा एन वेक्टर क्या मिल जाएगा फोर रूट टू आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस फोर के कैप ठीक है अब प्लेन पर जो फिक्स पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या है रूट टू माइनस वन और वन प्लेन पर जो फिक्स पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या है रूट टू माइनस वन और वन तो फिक्स पॉइंट का पोजिशन वेक्टर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ना रूट टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप अब प्लेन पर जो फिक्स पॉइंट है उसका हमें पोजिशन वेक्टर मिल गया प्लेन पर जो नॉर्मल है वो भी वेक्टर मिल गया तो इक्वेजन ऑफ प्लेन क्या होगा प्लेन की इक्वेजन क्या होगी आर वेक्टर माइनस ए डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू जीरो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ए वेक्टर क्या है हमारे पास रूट टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डॉट एन वेक्टर, एन वेक्टर क्या है फोर रूट टू आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस फोर के कैप इज इक्वल्स टू जीरो ठीक है ये हो गया हमारा आंसर ये हमारा हो गया प्लेन का इक्वेजन वेक्टर फॉर्म में अब यहाँ पर तुम ध्यान दो ये फोर ये फोर और ये फोर कॉमन लेके मैं राइट हैंड साइड में भेजूंगा तो क्या बन जाएगा जीरो बन जाएगा ना तो यहाँ हमारे पास प्लेन का इक्वेशन क्या होगा आर वेक्टर माइनस रूट टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डॉट ये क्या हो जाएगा रूट टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अब देखना ध्यान से ये एन कैप वेक्टर है एन कैप क्या मिला हमें एन कैप वेक्टर क्या मिला है यही लिखा है ना एक काम करो ये हमारे पास एन कैप वेक्टर क्या मिल रहा है ये वेक्टर मिल रहा है देखना। अच्छा एन कैप में तो वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू है तो कोई बात नहीं है एक काम करते हैं ना इससे टू कॉमन ले लेते इससे टू कॉमन ले लेते टू कॉमन लेके क्या करें यहाँ भेजते मतलब कि आर वेक्टर मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि एन वेक्टर यूज़ करो या एन कैप वेक्टर यूज़ करो सेम ही रिजल्ट आएगा डॉट यहाँ से हमने क्या किया टू बाहर ले लिया तो हमें क्या मिलेगा वन बाई रूट टू बाई टू प्लस वन बाई रूट टू बाई टू आई कैप प्लस वन बाई टू जे कैप प्लस वन बाई टू के कैप इज इक्वल्स टू जीरो फिर इस टू को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो जीरो हो जाएगा और रूट टू बाई टू क्या होगा वन बाई रूट टू तो आर वेक्टर माइनस ये क्या है रूट टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डॉट वन बाई रूट टू आई कैप प्लस वन बाई टू जे कैप प्लस वन बाई टू के कैप अब ये देखो ये हमारा एन कैप वैक्टर हो गया तो मैंने क्या बोला कि एन कैप वैक्टर को भी अगर तुम प्लेन पर नॉर्मल मान के इक्वेशन लिखोगे प्लेन का तो एक्जैक्टली कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेम ही रिजल्ट आएगा हमें तो प्लेन पे नॉर्मल वेक्टर चाहिए अब चाहे वो नॉर्मल वेक्टर यूनिट वेक्टर हो या कोई यूनिट वेक्टर नहीं हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ठीक है ना यहाँ तक आ रही है बात समझ में बच्चों नेक्स्ट फॉर्म में आ जाओ इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म प्लेन का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है नॉर्मल फॉर्म में सबसे पहले क्या बोल रहा है सबसे पहले ये बोल रहा है कि द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन प्लेन का वेक्टर इक्वेशन नॉर्मल टू अ यूनिट वेक्टर एन प्लेन क्या हमारे पास एक यूनिट वेक्टर एन पे नॉर्मल है एंड एट ए डिस्टेंस डी डी डिस्टेंस पर है फ्रॉम द ऑरिजिन इज आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी कहने का ये मतलब है कि हमारे पास कोई एक प्लेन है देखो ध्यान से ठीक है और ये हमारे पास ओरिजिन है हमने क्या किया ओरिजिन से प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ठीक है मान लो ये एन हो गया तो ओरिजिन से जो प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है ये परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में यूनिट जो वेक्टर है उसको हमने एन कैप बोला अब यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में भी हो सकता है यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में भी हो सकता है तो हमें सिर्फ यूनिट वेक्टर चाहिए उसका डायरेक्शन क्या है वो हमें नहीं चाहिए मतलब डायरेक्शन तो हमें चाहिए ही मतलब कि जो यूनिट वेक्टर होगा वो ओ एन ये जो परपेंडिकुलर है ना जो हमने प्लेन पे ड्रॉ किया फ्रॉम द ऑरिजिन उसी के डायरेक्शन में होना चाहिए अब परपेंडिकुलर वैक्टर तो ओ एन होगा तो ओ एन वैक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वैक्टर क्या हो जाएगा ये वाला एन कैप और परपेंडिकुलर वैक्टर तो एन ओ को भी ले सकते हैं तो उसके डायरेक्शन में ये ये वाला एक वेक्टर आ जाएगा तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने प्लेन पर ऑरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो उस परपेंडिकुलर वेक्टर के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको हमने एन कैप बोल दिया ठीक है और ये जो हमारा परपेंडिकुलर आ रहा है ना ये ओ एन इसका अगर लेंथ हमारे पास डी है इसके लेंथ को हमने डी मान लिया मतलब लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर टू द प्लेन फ्रॉम द ऑरिजिन इसको हमने डी माना तो प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आर डॉट टेन कैप इज इक्वल टू डी कैसे हो जाएगा वो देख लेते हैं प्लेन पर हमने क्या किया कोई भी रैंडम पॉइंट उठा लिया पी इस पी पॉइंट के पोजिशन वैक्टर को हमने आर बोल दिया ठीक है उसके बाद यहाँ से हमने इसको ज्वाइन किया और फिर इसको यहाँ से ज्वाइन किया तो ये वेक्टर तो हमारा आर वेक्टर हो जाएगा मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी क्या हो जाएगा आर अब तुम ये बताओ कि जो हमारा एन पी है ये जो एन पी है ठीक है एन पी है ये परपेंडिकुलर नहीं है ओ एन पे। ON ओ एन क्या है प्लेन पे परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन NP वेक्टर क्या हमारा एक प्लेन पर परपेंडिकुलर वेक्टर है तो अगर ये ओ एन प्लेन पर परपेंडिकुलर है तो प्लेन पर जितने भी, तो भी वेक्टर्स होंगे उन सभी वैक्टर परपेंडिकुलर होगा ओ एन वैक्टर तो प्लेन पर परपेंडिकुलर है अगर कोई भी ऐसे हमने प्लेन बना लिया एक वेक्टर अगर प्लेन पर परपेंडिकुलर है तो इस प्लेन पर जितने भी वेक्टर होंगे इन सभी वेक्टर पे ये जो वेक्टर एन है ये परपेंडिकुलर होगा समझ में आ रही है बात ना तो इसका कहने का ये मतलब है कि हमारे पास ये जो एन पी और ओ एन वैक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो अगर परपेंडिकुलर है तो इन दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो बच्चे क्या हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा ठीक है अब NP वेक्टर को तुम कैसे लिख सकते हो एन पी वेक्टर को एन पी वेक्टर हो जाएगा आर वेक्टर आर वैक्टर मतलब ऐसे लिखोगे ना पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट पी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट एन डॉट ओ एन वैक्टर इज इक्वल टू जीरो अच्छा बच्चे ये ओ एन वेक्टर क्या होगा बताना वेक्टर को क्या लिख सकते हैं वैक्टर का मैग्निट्यूड इन टू डायरेक्शन डायरेक्शन तो एन कैप है यूनिटर डायरेक्शन में यूनिट वैक्टर कॉम ने एन कैप माना ओ एन वैक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है अभी हमने बताया डी तो डीएन कैप तो ओ एन वैक्टर कॉम क्या लिख सकते हैं डी एन कैप तो पी पॉइंट का पोजिशन वैक्टर क्या है आर माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एन एन का पोजिशन वेक्टर क्या होगा यही होगा ओ एन वैक्टर एन पॉइंट का पोजिशन वेक्टर क्या होगा ओ एन वैक्टर डॉट ओ एन इज इक्वल टू जीरो ठीक है ना अच्छा यहां पे मैंने क्या लिखा ओ एन वेक्टर ठीक है यहां पे क्या है एक छोटी सी बात को देखो ध्यान से ओ एन वैक्टर के साथ एन पी वैक्टर जो है वो ओ एन वैक्टर के साथ परपेंडिकुलर है तो ओ एन वैक्टर के साथ परपेंडिकुलर होगा तो एन पी जो वैक्टर है वो हमारा ओ एन वैक्टर के डायरेक्शन में जो यूनिट वैक्टर है उस पर भी परपेंडिकुलर होगा ठीक है ओ एन के ओ एन वैक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वैक्टर क्या है हमारा एन वैक्टर है इस परपेंडिकुलर होगा ठीक ना तो यहां पे एन कैप लिख सकते हैं अब यहां पे आर वेक्टर माइनस ओ एन वेक्टर को क्या लिखेंगे डी एन कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू जीरो आर वेक्टर डॉट एन कैप माइनस डी एन कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू जीरो हमारे पास क्या हो गया आर डॉट एन कैप माइनस डी एन कैप डॉट एन कैप क्या होगा मॉड ऑफ एन कैप का होल स्क्वायर तो एन कैप तो यूनिट वेक्टर है ना तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वन होगा तो यहां से हमें क्या मिल गया आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी अब बच्चों याद तुम्हें क्या रखना है वो बताया जा रहा है ये तो पहले तो उसको रट्टा मारना है ये क्या हमारा प्लेन का इक्वेशन है किस फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में ये इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म प्लेन इन वेक्टर फॉर्म वेक्टर फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन है पहली बात अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये आर वेक्टर क्या है तो तुम बोलोगे पोजिशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द प्लेन क्या ये पोजिशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द प्लेन प्लेन पर किसी भी रैंडम पॉइंट का पोजिशन वेक्टर। फिर अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये एन कैप क्या है तो ये होगा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन मतलब क्या है कि जो यूनिट वेक्टर है ना ये जो ओरिजिन से हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना इसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर उसको हमने क्या बोला एन कैप और डी क्या है ये हमारा डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन फ्रॉम द ओरिजिन तो आपको ये भी याद होना चाहिए और ये भी याद होना चाहिए समझ में आ रही है बात ठीक है अच्छा एक बात इससे पहले हमने जो प्लेन का इक्वेशन पढ़ा था याद करना थोड़ा ध्यान से इससे पहले जो हमने प्लेन का प्लेन पर कोई भी एक फिक्स पॉइंट है इसके पोजीशन वेक्टर को हमने ये बोल दिया और इस पर एक नॉर्मल वेक्टर बन गया एन वेक्टर ठीक है तो वेक्टर फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन क्या पढ़ा था यही पढ़ा था ना आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो ये पढ़ा था ना वेक्टर फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन फिर इसी को हमने क्या लिखा था आर डॉट एन वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो तो यहाँ से हमें क्या मिल गया आर डॉट एन वैक्टर इज इक्वल टू ए डॉट एन ऐसे मिला था ना ठीक है अब याद करो मैंने बताया था तुम लोगों को कि अगर तुमने इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डिवाइड कर दिया तो बच्चे ये क्या बन जाएगा ये क्या बन जाएगा ये एन कैप नहीं बन जाएगा ये ऐसे नहीं हो जाएगा आठ डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू ए डॉट एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन अब ये जो इक्वेशन आ रहा है ना वेक्टर का फॉर्म का ये किस फॉर्म का आ गया ये इस फॉर्म का नहीं आ गया आर डॉट एन कैप इज टू डी का फॉर्मेट का समझ में आ रही है बात इस फॉर्मेट का आ गया तो यहां पे हमारा डी क्या है यहां पे डी है ए डॉट एन कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन और ये क्या है डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन डिस्टेंस ऑफ़ द प्लान फ्रॉम द ऑरिजिन ओरिजिन से प्लान का डिस्टेंस कहने का मतलब है कि अगर कभी भी प्लेन तुम्हें इस फॉर्मेट में होगा ना और तुम्हें प्लेन का डिस्टेंस चाहिए ओरिजिन से क्या है तो तुम क्या कर सकते हो इस प्लेन के इक्विजन को इस फॉर्मेट में चेंज करके प्लेन का डिस्टेंस ऑरिजिन से निकाल सकते हो ठीक है याद रखना है इस बात को तो ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म में अब आते हैं हम लोग फॉर्म में हमारे पास क्या है प्लेन का इक्वेशन क्या है आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी ठीक है यहां पर ऑब्वियसली बात है आर कैप पोजिशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द प्लेन उसको हम कैसे लेते हैं एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ठीक है एक तो हमने मान लिया एन कैप क्या है ये तो यूनिट वेक्टर है नॉर्मल के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर को कैसे लेंगे एल आई कैप एम जे कैप एन के कैप ये एल एम एन क्या है एल एम और एन क्या है ये हमारा है डायरेक्शन को साइंस डायरेक्शन को साइंस ऑफ़ नॉर्मल वेक्टर, जो नॉर्मल वेक्टर है ना उसका क्या ये डायरेक्शन को साइन मेरी बात आ रही है समझ में और ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर, ये हो गया हमारा एन नहीं एन कैप इज इक्वल टू डी आर वेक्टर को हमने क्या बोला एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट एन कैप वेक्टर क्या हमारा एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप इज इक्वस टू डी तो इक्वेशन क्या हो जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्व टू डी ये बच्चे हमारा प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा ठीक है अब अगर मान लो सपोज डैट कि मान लो हमारे पास कोई प्लेन ध्यान से सुनना अगर हमारे पास कोई प्लेन है इस फॉर्मेट में दे रखा है प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो ठीक है ये प्लेन का इक्वेशन है कार्टिजन फॉर्म में दे रखा है ये मान लो प्लेन अब अगर मान लो कि हमें ये चाहिए जैसे अभी हमने इससे पहले बताया था ना कि अगर हमारे पास प्लेन का इक्वेशन इस फॉर्मेट में तो उसको हम क्या कर सकते हैं उसको हम अगर दोनों साइड मैग्नीट्यूड ऑफ एन से डिवाइड करेंगे तो ये इस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा अब इस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा तो ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा प्लेन का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन अब अगर सपोज डेट हमारे पास प्लेन वेक्टर फॉर्म में सॉरी कार्टीजन फॉर्म में अब हमें चाहिए कि प्लेन का डिस्टेंस क्या ओरिजिन से पहली बात दूसरी बात हमें चाहिए कि प्लेन पे जो नॉर्मल वेक्टर है उसका डायरेक्शन को साइन क्या है या प्लेन पर नॉर्मल हाँ प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन को साइन चाहिए और प्लेन का डिस्टेंस चाहिए ओरिजिन से तो क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से सबसे पहला काम क्या करेंगे जो कांस्टेंट है ना उसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो डी क्या हो जाएगा माइनस डी डी यहां पे जाने के बाद क्या हो जाएगा माइनस डी अगर डी हमारा ये जो हमारा डी है अगर यहां पे डी पॉजिटिव है तब तो दोनों साइड क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई करके ऐसे इक्वेशन लिख लेंगे मतलब राइट हैंड साइड में डी को पॉजिटिव बना लेंगे ठीक है उसके बाद क्या करेंगे एक्स के कॉफिसेंट वाई के कॉफिसेंट और जेड के कॉफिसेंट के स्क्वायर को के स्क्वायर रूट को ऐड कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बच्चे सी स्क्वायर यहाँ पे सी स्क्वायर हो गई तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये माइनस ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स प्लस माइनस बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई प्लस माइनस सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड इज इक्वल्स टू डी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अब बच्चे ये जो प्लेन का इक्वेशन आया ना ये जो प्लेन का इक्वेशन है ये किस फॉर्मेट में आया देखना ये इस फॉर्मेट में नहीं आ गया एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू डी के फॉर्मेट में आ गया ना अब यहाँ पे एल क्या है एल जो है हमारा माइनस ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब प्लेन पे जो नॉर्मल वेक्टर है ना उसका डायरेक्शन को साइन है एम क्या है प्लेन पे जो नॉर्मल वेक्टर है उसका डायरेक्शन को साइन है माइनस बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और एन क्या है प्लेन पे जो नॉर्मल वेक्टर है उसका ये डायरेक्शन को साइन है इस फॉर्मेट में आए तो ये एलिमेंट एक्स और वाई और जेड का को कोफिशिएंट क्या होता है प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन को साइन होता है तो यह आ गया नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन को साइन अब हमारा डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन क्या है डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन ओरिजिन से प्लेन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा वो हो जाएगा डी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अब अगर हमारे पास प्लेन का इक्वेशन ऐसे गिवेन है बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू जीरो इससे पहले हमने डी को क्या माना पॉजिटिव माना अब अगर मैं बोलूं कि ये जो डी है निगेटिव है तो अब तो बहुत आसान और हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड डी नेगेटिव है राइट हैंड साइड में जाके पॉजिटिव हो जाएगा मतलब इस बार जो यहाँ डी नेगेटिव है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस डी अब माइनस डी तो पॉजिटिव हो जाएगा तो राइट हैंड साइड में हमने पॉजिटिव बनाने के बाद फिर क्या कर लिया फिर वही चीज़ बी वाई प्लस सी जेड अपऑन रूट अंडर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दोनों साइड डिवाइड कर दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन ओरिजिन से प्लेन का डिस्टेंस और यहां पे एल क्या हो जाएगा नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन को साइन क्या हो जाएगा ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एम क्या हो जाएगा बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड एन क्या हो जाएगा सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ तक तो बात क्लियर होगी यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं ठीक है